हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी नीड क्या है, उसके वेरियस मॉडल्स क्या हैं, और उसी तरह कौन से फैक्टर जो हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है नेट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्रॉस कल्चरल जो है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मेरे जो है ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं वहाँ पे भी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है डैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो वहाँ पे भी उनकी जो स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसी होती है कि किस तरह से हमने जो है इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर लोगों को प्रिक्योर करना है, उनको मोटिवेट करना है, रिटेन करना है, और लोगों को हमने किस तरह से कॉरपोरेट लेवल के अंदर जो होम कंट्री जहाँ पे जो है वो पेरेंट कंपनी सिचुएटेड है और दूसरी ब्रांचेस उसके जो होस्ट कंट्री के अंदर है, किस तरह से हमने लोगों को जो है मैनेज करना है। और ये जो सिस्टम है जिसके द्वारा जो है इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो है इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो लोगों को हम प्रोक्योर करते हैं, एलोकेट करते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल हो जाता है कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो भी जॉब देनी है उसके लिए हमें राइट पर्सन मिले ताकि हम उसको राइट जॉब एलोकेट करें और राइट प्लेस पर उसकी जो है प्लेसमेंट करें और राइट टाइम पे वो बंदा जो है हमें अवेलेबल हो और उसको हम राइट काइंड ऑफ रेमुनरेशन पे करें। तो ये जो चैलेंज है वो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है मैनेज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जॉन एच डेनियल ने जो है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द रेंज ऑफ एक्टिविटी डेट ए ग्लोबल कंपनी टेक्स टू स्टाफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, उसकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है ब्रांचेज हैं, प्लांट लोकेटेड है, तो नेचुरली वहाँ पे हमने किस तरह के बंदे जो है रखने हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द रेंज ऑफ एक्टिविटी कि जो ग्लोबल एक्टिविटीज़ हैं उसकी एक्टिविटीज़ का दायरा क्या है और किस तरह से उसने स्टाफ रखना है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स क्या है, किस तरह के लोग रखने हैं ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा हो सके, किस तरह से उनको मोटिवेशन देना है ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें, किस तरह से उनकी नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करना है ताकि वो चैलेंजिंग टास्क को बेटर तरीके से हैंडल कर सकें, और फाइनली रिटेनिंग देम, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो व्यक्ति हम हायर करते हैं उसको हम किस तरह से रिटेन करते हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द रेंज ऑफ एक्टिविटी डेट ए ग्लोबल कंपनी टेक टू स्टाफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ग्लोबल कंपनी जो है जो इसकी एक्टिविटीज़ का दायरा है उसके हिसाब से क्या है वो डिसाइड करती है कि मुझे इतने लोग जो है चाहिए, उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से हमने मोटिवेशन करना है, किस तरह से उनको ट्रेन करना है, किस तरह से उनको रिटेन करना है। सिंथिया डी फिशर डिफाइन करती है द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग एलोकेटिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन एन इंटरनेशनल बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि जब हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं तो इट मीन्स प्रोक्योरिंग, एलोकेटिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, कि हम किस तरह से रिक्रूट सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से हम उसको काम एलोकेट करते हैं, किस तरह से क्या है कि हम उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम और डेफिनेशंस देखते हैं। मॉर्गन डिफाइंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज द इंटरप्ले अमंग दीज थ्री डायमेंशन ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज टाइप ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द कंट्रीज ऑफ द ऑपरेशन। जो मॉर्गन है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में किस तरह का
आपस में इंटर रिलेशन है, किस तरह की तीन एक्टिविटीज़ हैं, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ किस तरह के हैं, और किस तरह के जो देश हैं वहाँ पे लोगों, किस तरह के देश के लोगों को हम रखते हैं। और शुलर और उसके जो क्लीग हैं उन्होंने डिफाइन किया है स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इशू फंक्शंस पॉलिसी प्रैक्टिसेस that result from the strategic activities of the multinational enterprise and their impact on the international concerns and the goal of the enterprise. देखो यहाँ पे हम जो उसका future के साथ जो long term उसकी जो objectives होते हैं उसके basis पे क्या है कि जब हम देखते हैं कि multinational organization आने वाले long term के अंदर जो है उस तरह की इसका पॉलिसीज़ हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमें फ्यूचर के अंदर हमें किस तरह की मैन पावर जो है चाहिए है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है और उसकी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स क्या है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है डिटरमिन होती है। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का दायरा क्या है, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी जो है डिटरमिन होती है। उसके हिसाब से क्या होता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग द पर्सोनल टू परफॉर्म वेल। कि देखो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो है लोगों को रखते हैं और उनको हम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, स्पेसिफिक स्किल जो है सिखाई जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, और किस तरह से हम उनको ट्रेनिंग द्वारा जो है उनकी नॉलेज को अपडेट करते हैं ताकि वो जो फ्यूचर के अंदर चैलेंजिंग टास्क है उसको भी बेटर तरीके से हैंडल कर सके। और जो स्ट्रैटेजिक रोल जो आने वाले फ्यूचर के अंदर जो रोल है डैट हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके अंदर चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं और उसका जो एरिया होता है डोमेस्टिक कंपनी के मुकाबले में काफ़ी ब्रॉड होता है। अब हम देखते हैं कि वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और उसी तरह क्या है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा करती हैं, तो उसका इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इश्यूज़ के ऊपर, फंक्शनल पॉलिसीज़ के ऊपर, प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो पहले से अपना लॉन्ग टर्म विज़न देख के जो है उस तरह के लोग रखती हैं, उनको डिवेलप करती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की जो सक्सेस है या फेलियर है वो डिपेंड करती है कि जो लोग हमने रखे हुए हैं उनको हम किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे ये भी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि इंटरनेशनल मैनेजर जो स्किल्ड इंटरनेशनल मैनेजर्स हैं उनकी शॉर्टेज होती है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इसको भी टैकल किया जाता है। और जो ग्लोबल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली क्या है कि देखो वहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो ग्लोबल लेवल पे स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स की सप्लाई है उसके अंदर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल बनाना है तो वी शुड हैव द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड दे शुड हैव द सफिशेंट नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म दैट जॉब। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे हम जैसे मान लो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंडिया के अंदर जो है ब्रांच है, तो वहाँ पे हम इंडियन लोगों को भी जो है हायर करते हैं ताकि ग्लोबल आइडेंटिटी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्रिएटिंग ए लोकल अपील विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन दी ग्लोबल आइडेंटिटी। कि यहाँ पे हमने लोकल लोगों को रखा है लेकिन जो उसका इंटरनेशनल आइडेंटिटी है वो लूज़ नहीं होती, कि हमने देसी लोगों को रखा है या हमने लोकल लोगों को रखा है उनको इंटरनेशनल बिजनेस की नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग ए लोकल अपील कि लोकल लोगों को भी ये बुरा नहीं लगना चाहिए, जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग दी मैनेजर्स ग्लोबली एंड हायरिंग ऑफ द स्टाफ अक्रॉसिंग ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। तो यहाँ पे मैनेजर्स को है इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने आप को डिवेल्प करें और ताकि जो स्टाफ है अलग अलग देशों से जो है रखा जाए
और यहाँ पे क्योंकि जब हम बहुत सारे जब डाइवर्सिटी होती है तो वहाँ पे कल्चर भी डिफरेंट होता है, तो किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स के अंदर लोगों ने काम करना है, किस तरह से जो पॉलिसीज़ बनानी है वो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत से देशों के लोग काम करते हैं तो दे हैव डिफरेंट कल्चर, दे हैव डिफरेंट एटीट्यूड, दे हैव डिफरेंट आउटलुक, तो उसके हिसाब से क्या है कि पॉलिसीज़ हमने किस तरह से डिज़ाइन करनी है। अब हम देखते हैं कि मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉर्गन ने जो है मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिज़ाइन किया है। उसने एचआर की तीन डायमेंशन दी है, जिसको मैंने नेचर ऑफ द एचआर एप के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी जैसे प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन, फिर उसके अंदर क्या है कि होस्ट कंट्री जहाँ पे सब्सिडरी लोकेटेड है, होम कंट्री जहाँ पे फर्म का हेडक्वार्टर है, अदर कंट्री जो है लेबर फिनांस और अदर इनपुट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे मान लो अमेरिका के अंदर कंपनी है, इंडिया के अंदर उसने अपनी ब्रांच खोली हुई है, बट वहाँ पे क्या है कि कोई थर्ड कंट्री जो है जैसे जापान है मान लो, वहाँ से लेबर फिनांस और अदर इनपुट्स आते हैं। और उसी तरह एम्प्लॉय जो होते हैं होस्ट कंट्री के नेशनल भी हो सकते हैं, पेरेंट कंट्री के नेशनल भी हो सकते हैं, और किसी और देश के नागरिक भी नेशनल भी हो सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर करते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन, ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो है जैसे डोमेस्टिक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंदर छह प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेमुनरेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर रिलेशन। तो ये छह फंक्शन जो है इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो है तीन चीज़ों के अंदर कवर हो जाते हैं, प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। और उसी तरह हम देखते हैं कि थ्री टाइप ऑफ कंट्रीज़ होती हैं, होस्ट कंट्री जहाँ पे सब्सिडरी लोकेटेड है, होम कंट्री जहाँ पे पेरेंट कंपनी का हेडक्वार्टर है, अदर कंट्री जो लेबर फिनांस और अदर इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं। और देखो जो इंटरनेशनल लेवल का जो बिजनेस होता है उसके अंदर होस्ट कंट्री के भी जैसे इंडिया के अंदर ब्रांच है तो इंडिया के लोग भी हो सकते हैं, पेरेंट कंट्री के लोग भी हो सकते हैं, किसी और देश के नागरिक भी उसमें काम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव अप्रोच होती है कि जैसे होस्ट कंट्री नेशनल है तो वहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर ब्रांच है तो वहाँ पे इंडिया के लोग ही रखे जाएं, पेरेंट कंट्री नेशनल होती हैं जहाँ पे फर्म का हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे उन लोगों को ही रखा जाए, थर्ड कंट्री नेशनल होता है कि जो हम किसी भी देश के जो है लोगों को जो है रख सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एरिया है डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुकाबले में काफ़ी ब्रॉड है, तो यहाँ पे लेबर मार्केट करेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखो जो स्किल लेवल है, डिमांड है, सप्लाई कंडीशन है, जो लेबर का बिहेवियर है वो अलग अलग देशों के अंदर डिफरेंट होता है। अब कुछ देशों के अंदर क्या होता है, स्केयरसिटी होती है, और कुछ देशों के अंदर क्या है कि लोगों की बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेबर लोग जो होते हैं काम करने को तैयार होती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर होती है वहाँ पे उनका जो होता है बहुत ज़्यादा बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस जो होती है अनस्किल्ड लोगों की होती है, और वहाँ पे मतलब जो लेबर होती है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड होती है। जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, बट ये जो सिनेरियो है वो चेंज होता जा रहा है क्योंकि अब जो डेवलपिंग नेशन है उनके भी जो नागरिक हैं वो भी अपने बीच में जो है स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं, वो अनस्किल्ड से जो है सेमी स्किल और फुल स्किल के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो चेंजिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो जिसकी वजह से क्या है कि बिजनेस के अंदर लोकेशनल शिफ्ट भी हो रही है, तो ग्लोबल चेन सप्लाई के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि देश जो ज़्यादातर देश हैं वो अपना जो लोकेशन है ऐसी जगह पे सेटअप करते हैं जहाँ पे उनको सब चीज़ें जो है सस्ते में अवेलेबल हों। और उसी तरह जो इंडिया है वो भी एक अमर्ज कर रहा है ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, और उसी तरह इंडिया और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो बाहर के जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको आईटी पर्सोनल जो है प्रोवाइड करती हैं।
कल्चरल डिफरेंस, देखो कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी क्या है कि HRM के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग जो होते हैं काम करते हैं, उनका बिहेवियर एटीट्यूड डिफरेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, वैल्यू बिलीफ आउटलुक जो होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉयल्टी, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। और उसी तरह उनकी मोबिलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ देश के नागरिक जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहते, कुछ लोग मोबाइल ही होते हैं। तो कल्चरल फैक्टर जो होते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर, सोशल लिंक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और दोनों कई देशों के जो है एटिकेट्स, लैंग्वेज, तो उसके अंदर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसको मैनेज करना जो होता है बहुत ही टीडियस टास्क होता है। और उसी तरह हम देखते हैं डिफरेंस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब जो एक फर्म है अलग अलग देशों के अंदर है, तो हर एक देश के जो लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के प्रति, देखो कुछ कंट्री जैसे अमेरिका है तो वहाँ पे हायर एंड फायर कॉमन है, जापान है तो वहाँ पे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया के अंदर क्या है कि लोगों को लगता है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे निकल जाना चाहिए, भी राइट टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका ये राइट पूरा बनता है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो एटीट्यूड डिफरेंट होता है तो इनको मैनेज करना, इनको हैंडल करना जो होता है बहुत ही टीडियस टास्क होता है। और उसी तरह क्या है कि अलग अलग देशों के अंदर जो रिवॉर्ड का सिस्टम है, प्रमोशन का सिस्टम है, जो मोटिवेशन का सिस्टम है, जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं।